गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर क्लास 9 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। ऐसे तो बहुत सारा करीब 5-6 वीडियो पालमपुर गांव की कहानी के सभी पॉइंट को डिस्क्राइब करके भेजा जा चुका है, लेकिन आज हम लोग 2-3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर की का समरी देखेंगे। पालमपुर गांव की कहानी, जैसा कि आपको पता है कि इट हाइपोथेटिकल विलेज मॉडल है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज मॉडल और मॉडल ऑफ इकोनॉमी। एक्चुअली थ्रू पालमपुर गांव की कहानी द ऑथर विलिंग टू एक्सपोज द आइडिया ऑफ इकोनॉमी टू द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। देयरफॉर वी हैव टू प्रीवियसली डिस्कस अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स is new subject for all of you, so we have to understand that what is the subject of economics, and I already also made sending notes on economics, economy and various points. Economics as a subject status, that how we can fulfill our various and differentiated needs with scarce resources and their alternative uses, इकोनॉमी सेकेंड। तो इसके बारे में भी हमने कहा था कि इकोनॉमी द स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमी इज फैमिली, एंड इकोनॉमी इट्सेल्फ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी हु लिव टुगेदर एंड यूज टू एंगेज देयर सेल्व्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज टू फुलफिल देयर डिफरेंशिएटेड नीड्स। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पालमपुर। देखिए, पालमपुर गांव की कहानी को पूरा पढ़ने के बाद हम लोग जो कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाल पाते हैं वो ये है कि सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ पालमपुर का देखते हैं हम, तो ऑक्यूपेशन में देखते हैं कि पालमपुर में रोजगार कैसे हैं। तो पहले तो इसको 3 सेक्टर में बांटते हैं, फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं। फार्म एक्टिविटीज में लगभग 80% पीपल्स इंगेज्ड हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में 20% इंगेज हैं। लेकिन इन दोनों एक्टिविटीज के अलावे एक तीसरा एक्टिविटी भी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योगों पर विनिर्माण का कार्य, जिसमें लगभग 50 फैमिली हैं। इस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो कुछ लोग डेयरी में, ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेल शॉप यानी दुकानदारी में, और कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कुटीर उद्योग, जिनको कि परिवार के लोग निर्माण करते हैं, दिया सलाई है, अगरबत्ती है इत्यादि का। तो ये पालमपुर का इकोनॉमिक प्रोफाइल हो गया, जिसमें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज है। इसको देखकर हम लोग ये जरूर पता कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ फैमिलीज इन पालमपुर वर्ड इंगेज इन फार्म एक्टिविटीज। नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द सोशियो प्रोफाइल। अगर सोशियो प्रोफाइल की हम बात करें तो यहाँ पर पालमपुर में 450 परिवार हैं, और इन 450 परिवार का जो डाटा है वो इस प्रकार से है कि 80 फैमिली जो है उसमें से वो अपर कास्ट के फैमिली है। और इस अपर कास्ट के फैमिली के बारे में एक चीज और बताते हैं कि इस 80 अपर कास्ट फैमिली में से 20 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर जमीन है, यानी 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और ये जमींदार टाइप के लोग हैं। दूसरा है कि इसका 1/3 ऑफ फैमिलीज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, 1/3 फैमिली जो है वो शेड्यूल कास्ट से है। 75% पॉपुलेशन गेट लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इन 450 परिवारों में से 75 परिवार जो है यानी कृषि से अपने जीविकोपार्जन को प्राप्त करते हैं। 240 फैमिली ऐसे हैं, यानी 50% से ज्यादा फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इस 2 हेक्टेयर से कम जमीन के कारण क्या है कि स्मॉल होल्डिंग्स की समस्या है पालमपुर में, जो हम लोग आगे देखेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कि 240 फैमिली में से 240 फैमिली के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 150 फैमिली इसमें ऐसे हैं
लगभग 1/3 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, 150 फैमिली हैज नो लैंड, यानी ये लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर के रूप में दूसरे के खेतों में काम करते हैं। 60 फैमिली हैज मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड और केवल 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। ये सोशियो प्रोफाइल हो गया पालमपुर का और इस प्रोफाइल से 2-3 बातें स्पष्ट हैं कि स्मॉल होल्डिंग्स की समस्या है, 50% से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है, 150 फैमिली के लोग ऐसे हैं जो कृषि भूमिहीन कृषक मजदूर के रूप में कार्य करने को विवश हैं, और केवल कुछ ही फैमिली ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर 20 फैमिली बड़े पैमाने पर खेती कर सकने में सक्षम है। अब अगर हम बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की, पालमपुर गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत संरचना, तो हम पाते हैं कि पालमपुर गांव में ओवरऑल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कनेक्टिविटी है पालमपुर की थ्रू इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी सभी घरों में बिजली है और बिजली का ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, इसके बिजली का उपयोग कृषि में भी किया जाता है, कच्चे और पक्के मकान भी है, प्राइमरी और हाई स्कूल भी है, यानी इससे एजुकेशन के मामले में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है और वो सड़क मार्ग के द्वारा नजदीक के कस्बों और शहरों से जुड़ा हुआ है। हेल्थ फैसिलिटी की बात हम करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या जिसको हम डिस्पेंसरी करते हैं, वो निजी डिस्पेंसरी भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं और सार्वजनिक सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। तो ये फर्स्ट पार्ट में, अभी समरी का ये पहला पार्ट है, इसमें हमने पालमपुर गांव के पूरे सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके भूमि के वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को हमने दर्शाया है। इससे हमको मोटा मोटी पालमपुर गांव के की संरचना का पता चल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि ये समरी है इसके इसमें जो विस्तृत वीडियो है वो भेजा जा चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को देखेंगे।